हाय, आज हम एक और नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम है क्या, उसको मैंने पहले से क्वेश्चन को लिखा हुआ है और फिर सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है क्या देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है, 250,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 20,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर रुपीज 2,000। गुडविल रिटर्न ऑफ रुपीज 9,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रुपीज 35,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रुपीज 17,500 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 8,000। ये तो पॉइंट दिए हुए हैं और फिर इसमें और भी दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स। तो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, फिर दिया हुआ है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है, 31 मार्च 2013, एंड करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2014। अब देखिए इसमें दिए क्या क्या है। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स प्रीवियस ईयर में 50,000, करंट ईयर में 62,000। ट्रेड पेएबल प्रीवियस ईयर में 45,000, करंट ईयर में 55,000। इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में 12,000, करंट ईयर में 8,000। इनकम रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर में 8,000 एंड करंट ईयर में डैश, यानी कुछ नहीं, नील। फिर दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर में दिया, प्रीवियस ईयर में दिया 6,000 एंड करंट ईयर में कितना दिया हुआ है, 3,000। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं दिया और करंट ईयर में कितना है, 5,000। ये तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि क्वेश्चन में सॉल्व कैसे किया जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग को निकालना क्या है, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, जो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लिखा है उसके लिए हमने वर्किंग नोट किया हुआ है पहले से ही। वर्किंग नोट में क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, 2,40,000। ये दिया हुआ है 2,40,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड इसमें क्या, कौन कौन से ऐसे आइटम है जो इसमें ऐड होंगे। ऐड होगा पहला क्या, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है, 17,500। तो 17,500 ऐड किया। फिर क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है, यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है कितना, 35,000। ऐड किया तो आ गया 3,02,500। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो अब नई अमाउंट कहां निकाल उन्होंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का आ गया, ये अमाउंट यहां से 3,02,500। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम में। तो अब ऐड में कौन कौन से आइटम इसमें आएंगे ये देखते हैं। तो ऐड में क्या है, पहला डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन मशीन कौन सी है, जो पहली आइटम है डेप्रिसिएशन मशीन कितने का दिया हुआ है, यहां पे 20,000, इसको ऐड किया। फिर लॉस ऑन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो कौन सा आएगा, फिनिश लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का है, यहां पे 2,000, इसको ऐड किया। ये था मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पे है। अब देखिए यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल राइट ऑफ कितने का दिया हुआ है, यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ जो हो रही है वो कितने का, यहाँ पे 9,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी था और फिर गुडविल राइट ऑफ। अब इसको ऐड करने के बाद ईएमआई के आगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं थे लेकिन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको उन्होंने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम जो है, आइटम टू एडेड में करते हैं, तो उन्होंने हम लोगों ने ऐड किया। अब यहाँ पे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये कहिए, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये क्या है, हमारी इनकम हो रही है तो इससे हमारी प्रॉफिट क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गया, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, तो इसे लिखा गया लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने से, 8,000। अब इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई है, ये 3,25,500, यानी थी यहां पे इसको ऐड किया तो यहां पे कितना आया था, 31,000। इन दोनों को ऐड किया तो आया 3,33,500 और माइनस किया कितने से, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को माइनस किया 8,000। तो ये अमाउंट आई माइनस करने के बाद तो कितना आ गया, 3,25,500। ये आगे हमारे किया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल जो हमारी आई, जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ आ रही है, यहां पे इसको और लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अभी हमारे आगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए हमारी कितने की थी 325,500। अब हम लोग इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड में क्या आता है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे कौन कौन से ऐसे करंट एसेट्स हैं जो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और कौन से हमारे करंट लायबिलिटी जो ऐड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब यहां पर देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल हमारी क्या होती है, करंट एसेट, लेकिन हमारी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, यहां पर नहीं आएगा। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, फिर हम इन्वेंट्री हमारी क्या है, करंट एसेट से। तो करंट एसेट हमारी क्या है, प्रीवियस ईयर में था 12,000 और करंट ईयर में क्या है 8,000, डिक्रीज हो रही है। तो हमारी डिक्रीज कितने से हो रही है, यानी इन्वेंट्री तो डिक्रीज हो रही है, वो कितने से हो रही है 4,000 से। ये आइटम टू बी एडेड में आ गया, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट्स में। अब यहां पर देखते हैं और कोई एसेट से जो हमारी डिक्रीज हो रही है, इनकम टैक्स रिसीव इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी इंक्रीज हो रही है, हमारे करंट एसेट्स है लेकिन हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इससे यहां नहीं आएगा। अब क्या देखते हैं कि करंट लायबिलिटी में कौन, ये तो करंट एसेट्स की चीज हो गई थी, अब करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो करंट लायबिलिटी में देखते हैं कौन से हमारी करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं आएगा, ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, प्रीवियस ईयर में था 45,000 एंड करंट ईयर में कितना है 55,000, हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो रहा, तो ट्रेड पेबल हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज लिख दिया यहां पे, कितने से हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाला 45,000 55,000 का डिफरेंस कितना आ गया 10,000। और कोई करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, कोई करंट लायबिलिटी हमारी और इंक्रीज तो हो नहीं रही है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गया, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसमें देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारी क्या हो रही है, हमारी करंट एसेट्स से जो हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में कौन सी आइटम आ रही है, यहां पर कौन सा आया, ट्रेड रिसीवेबल कितने का आया, प्रीवियस ईयर में था 50,000 अब हो गया 62,000, कितने से इंक्रीज हो गया 12,000 से, जो हमारी इंक्रीज हो गई वो कहां पे आ गई, यहां पे लिखा ट्रेड रिसीवेबल कितने से अमाउंट आ गई 12,000। ठीक, अब हम और क्या देखते हैं कि अब हमारे और कौन से करंट एसेट्स है, अब हम लोगों ने ये देखा कि अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया हमारा, ठीक है, इन्वेंटरी की हो चुकी है, ये तीन आइटम हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे करंट एसेट्स में कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं था, इस ईयर में हमारी कितने का हो गई 5,000, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, ये भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया 5,000, यानी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस वाली भी चीजें हो गई। अब बचा क्या है कि करंट लायबिलिटी का क्या होगी, तो अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो अब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है, कैसे, 6,000 प्रीवियस ईयर में था और करंट ईयर में कितना है 3,000, यानी ये डिक्रीज हो रहा, तो कितने से डिक्रीज हो गई 3,000 से, इसको भी लिख दिया, माइनस किया। अब देखिए अब इसके बाद फिर क्या है, ये भी हो गया, अब इनकम रिसीव इन एडवांस, ये भी हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है, जब आपने एडवांस में रिसीव किया तो आपके लिए क्या होती है वो करंट लायबिलिटी, ये हमारी क्या थी, प्रीवियस ईयर में था 8,000, इस ईयर में अभी क्या हो गया, नील हो गई, तो ये भी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए प्लस में आया, इन दोनों को प्लस किया तो 14,000 और माइनस में क्या आ रहा है 12,000 प्लस 5,000 17,000 प्लस 3,000 20,000 प्लस 8,000 28,000, माइनस में था 28,000 प्लस में था 14,000, तो डिफरेंस कितने का आ गया है हमारे यहाँ पे, इन दोनों का, इसको ऐड किया और इसमें तो माइनस में कितना आ गया 14,000, ये तो 14,000 आई, इसको इस अमाउंट से, किससे, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से माइनस किया तो कितना आ गया 311,500, ये तो 311,500 आ रही, ये क्या आ गई, ये क्या आ रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पे, बिफोर टैक्स पे, यानी टैक्स पेमेंट करने के पहले की हमारी जो प्रॉफिट आई वो क्या गई, कैश फ्लो जो हमारे ऑपरेशन से आया था वो कौन सा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड कितना आया था 311,500। अब इसमें से अब फिर माइनस क्या करेंगे, इसको दूसरा भी कहा जा सकता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद क्या हुआ, लेस टैक्स पेड, जो लेस टैक्स पेड कर रहे हैं, अब देखिए इसमें अगर टैक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का ऐसा दिया होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर यहाँ पे दिया होता, जैसे हमारे अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, तो करंट ईयर की तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते, जहां पे कहां पे ऐड करते, जो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स निकाले हैं, और प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं, यहाँ पे पेमेंट होता,
ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की जो चार्ज हो रही है उसका पेमेंट इस ईयर हो रहा है, इस ईयर का जो चार्ज हो रहा है वो किस ईयर में पेमेंट होगा? नेक्स्ट ईयर में। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया होता, यहाँ पे वाली केवल एक ही आइटम दिया हुआ, ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाली, इसी को क्या किया जा रहा है यहाँ पे माइनस की जा रही है कितने से 35,000। ये माइनस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आए कितने से 2,76,500। इस टाइप से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे सेकेंड प्रॉब्लम में आए हुए थे। अब और आगे और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।